नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात करते बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करते बेटा? चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते। और उस चैप्टर के अंदर अपन देख रहे थे बेटा, अपन ने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था। वाष्पीकरण के बाद में उससे संबंधित जितने भी तथ्य थे अपन ने उन सभी को क्या किया था बेटा, नोट किया था। और बाद अपन आ गए थे बेटा क्वेश्चन की ओर। कहाँ आ गए थे बेटा? क्वेश्चन की तरफ आ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर सुनना मेरी बात, अपन ये कर रहे थे। अरे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अपन ने क्वेश्चन पूछा था कि जब फॉर एग्जांपल बात करें कि यदि कोई ठंडा पानी है उसको आप ग्लास के अंदर डालते हो, तो उसके बाद जो उसका बाहर का सराउंडिंग है, बाहर का जो एरिया है, बाहर की जो सतह है, वहां पे थोड़ा बाफ जैसा बना हुआ रहता है, वो वहां से पानी निकलता है। क्यों निकलता है, होता क्या? सुनना मेरी बात को। ये फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी ग्लास, थोड़ा पतला ही देख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर मैं क्या भर रहा हूँ बेटा? वाटर भर रहा हूँ। क्या बताऊ बेटा? वाटर भरा। कौन सा वाटर है बेटा? कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर। जब इसके अंदर कोल्ड वाटर भरा हुआ होता है, अब होता क्या है, इसका अंदर का तापमान तो क्या है बेटा, कम है। और नॉर्मल सी बात है, अंदर का तापमान कम है, परंतु कमरे का तापमान इस तापमान से थोड़ा क्या है, ज्यादा है। अरे ज्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये भाई साहब क्या करेगा, यहां से इसका और इसका तापमान क्या कर देगा बेटा, इक्वल कर देगा बेटा, इक्वल। और इक्वल करने के लिए क्या करेगा बेटा, वाष्पीकृत हो जाएगा साइड साइड से। और इस साइड से वाष्पीकृत होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, पानी की बूंदे आ जाएगी। इसे क्या बोलते बेटा, भाप बोलते। आ गया समझ में? अरे कोई समस्या क्या? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? अब बात करते बेटा प्रश्नों की। कॉपी लेके बैठना अपनी और देखो मेरी बात सुनो। होता क्या है कि अपन सोचते हैं कि भाई जितना अपने कोर्स के अंदर है उतना करें। सर थ्योरी तो आपने लिखा दी, नोट करवा दी, अब क्वेश्चन आंसर क्यों करवा रहे हो? नहीं, क्वेश्चन आंसर जो थ्योरी आपने लिख ली है तो वो तो ठीक है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर को जब तक अपन बाय फेस अपन खुद नहीं करते हैं, तब तक अपने को क्या होता है बेटा, समझ में नहीं आता। जब तक उसका आंसर अपने को याद नहीं रहता, तो उसको याद कराने के एवज में ही अपन क्या करेंगे बेटा, इस प्रत्येक क्वेश्चन को क्या बेटा, सॉल्व करेंगे। आगे समझ में? जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है उस क्वेश्चन को रहने देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं करवाया है उसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म और शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है क्यों? उसका कारण क्या है कि वाष्पीकरण के कारण जो कूलर के अंदर जो गैस, कूलर के अंदर जो वायु होती है, कूलर के अंदर जो जल होता है, वो उस जल को वाष्पीकृत करके क्या करता है बेटा, एनवायरमेंट में देता है। इसके कारण क्या होता है, जलवाष्प के कारण क्या है, जिस उसी जलवाष्प के वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है बेटा, कूलर में क्या लगता है बेटा, ठंडा लगता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, या तो दिखाई दे रहा है बेटा सभी को आपको, कोई समस्या? गर्म और शुष्क दिनों में कूलर ठंडक देता है क्यों? ये आपका क्वेश्चन, ये क्या है बेटा, आपका क्वेश्चन है। आंसर लिखते हैं बेटा इसका, इसका आंसर देखना, क्योंकि गर्म और शुष्क दिनों में
वाष्पीकरण की दर अधिक होती है परिणाम स्वरूप कूलर में स्थित जल जल का वाष्पीकरण भी कूलर में उपस्थित जल का वाष्पीकरण भी तीव्र होता है जिसके कारण वह कूलर में स्थित जल के वाष्पीकरण द्वारा अधिक ठंडक देता है। अरे कूलर में पानी भरते कि नहीं भरते हो बेटा? अरे भरते हो, ठंडक देता। यहां तक कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं, नेक्स्ट बात करते। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अरे कोई समस्या बेटा, कोई समस्या क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते, ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। बात करते गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं बेटा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्या दे रखा है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? आंसर क्या लिखोगे बेटा, आंसर क्या लिखोगे? आंसर वही लिखे हुए, क्योंकि गर्मियों में जल का अधिक वाष्पीकरण होता है, अतः मटकी के जल का तीव्र वाष्पीकरण होने के कारण वह कारण उसकी सतह व जल दोनों ठंडे हो जाते हैं। अरे कोई समस्या क्या, यहां तो कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोले। कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा बोले, ठीक है? आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब उसके क्वेश्चन आंसर अपन क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा भी हो गया, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, तो इसका कारण भी वो ये होगा बेटा, वाष्पीकरण। इसका कारण भी क्या लिखोगे बेटा, वाष्पीकरण। इसका कारण भी क्या लिखोगे बेटा, वाष्पीकरण लिखोगे। क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखोगे बेटा, ये आपका क्वेश्चन। इत्र की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे इथेनॉल की बात करें चाहे
एसीटोन की बात करें को हथेली पर डालने के बाद ठंडक महसूस होती है। क्यों? आंसर बेटा इसका आपको पता होगा, सभी को इसका आंसर पता होगा, मेरे को पता है, आप सभी को आंसर है। मैंने करवाया था कि जब कभी हथेली पर एथेनॉल इतर इत्र ठीक है एसीटोन अगर गिर जाता है तो अपना शरीर तो होता क्या है बेटा, गर्म होता है। और वो शरीर गर्म होने के कारण भाई साहब क्या हो जाता है, उस ऊष्मा को क्या कर लेता है बेटा, अवशोषित। और ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण वहां वाला एरिया क्या लगता है बेटा, ठंडा लगता है। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि आंसर लिखोगे क्योंकि यह सभी ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, अतः क्योंकि ये सभी ऊष्मा के को अवशोषित कार्य करने का कार्य करते हैं, अतः यह शरीर के संपर्क में आने पर ये क्या करता है बेटा, शरीर के संपर्क में आ जाता है। और शरीर के संपर्क में आने पर वहां की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, परिणाम स्वरूप वह स्थान ठंडा लगता। अरे कोई समस्या क्या? मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन को अपने अगर बेटा अच्छे से समझेंगे, ताकि अपने को क्या आए बेटा, डाउट ना आए, अपने को क्या ना आए बेटा, डाउट ही ना आए। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? आंसर मैंने आपको करवाया था, ये रहा सतही क्षेत्रफल, ये सतही क्षेत्रफल है जिसका सतही, अब नॉर्मल सी बात है, कप जो होता है वो बंद होता है, अब कप बंद है उसका सतही क्षेत्रफल क्या है बेटा, कम है। परंतु वही बात करें बेटा प्लेट की, तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या ज्यादा, भाई एक तो इस तरीके का क्षेत्रफल है और एक क्षेत्रफल होता है केवल इतना सा, भाई चाय का मुंह गोली होता है छोटा सा होता है ऊपर कप का, तो एक तो सतह इतनी चौड़ी इतनी बड़ी सतह है और एक में एकदम छोटी सतह है, तो नॉर्मल सी बात है। मैंने बोला था वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कहां होती है, जहां पे सतही क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा ज्यादा, जहां पर सतही क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा ज्यादा, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक मात्रा में वो क्या हो जाएगा बेटा, ऊष्मा को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा और क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है भाई साहब क्या हो जाते हैं, चाय जो कप में होती है वो थोड़ी गर्म रहती है, और जबकि जब वो जो प्लेट में आती है तस्तरी के अंदर आती है तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाती है बेटा, जल्दी ठंडी होने लग जाती है। क्यों बेटा? वाष्पीकरण के कारण। क्या हो जाती है बेटा? तो इसका क्वेश्चन लिख लेते बेटा। देखो आप सोच रहे होगे कि सर हमको लिखवा रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्मी बात सुनना, इसको लिखना क्यों जरूरी है कि अपन पढ़ते हैं ठीक है ओके, पर जितने एग्जाम्पल का अपने को पता होता है कि सर ये ऐसा होता है, सर ये ऐसा होता है, तो अपने पास दिमाग में थ्योरी सॉर्ट हो जाती है, सर मेरे को इतना आता है। अभी ये जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब जब ये इजी क्वेश्चन आपके माइंड में जाएंगे तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे बेटा, उसको बोलोगे कि हाँ ये इसका ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, तो उस केस में क्या होगा, आप उस सामने वाले को भी क्या पता लगेगा कि भाई साहब इस लड़की को बहुत आता है और इस लड़की को बहुत अच्छे से आता है, होता कि नहीं होता है।
जब यह स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीके से पढ़ रहा है, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर क्या होता है, अभी जो माहौल है वो माहौल क्या है बेटा, थोड़ा टेढ़ा वाला चल रहा है ना, उस केस में अपने को ध्यान रखना है, पढ़ाई के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। एक चीज मैं आज नोट करके बता रहा हूँ कि कुछ ये जो कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर जो बच्चे मतलब एक अपनी एक मजबूरी है कि अपने को बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, प्रमोट करना पड़ रहा है, बट रियलिटी ये है आप प्रमोट करो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे आप अगर खुद नहीं पढ़ रहे हो तो ये आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो। क्या करो बेटा, आप अपने साथ धोखा करो, अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो ये आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो। इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कोई कुछ भी नहीं होगा, ना किसी को नुकसान होगा, नुकसान होगा तो केवल आपको और आपके परिजनों को नुकसान होगा बेटा, किसी को नुकसान नहीं होगा, केवल और नुकसान किसको होगा बेटा, केवल आपके परिजनों को नुकसान होगा। लाइक एग्जाम्पल, नंदी का ये कोई चैप्टर है, अभी चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा वास्तविकरण वाला, और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया या आप कोई इंटरव्यू देने चले गए, आप टीचर ही बनना चाहते हैं, आप साइंस फील्ड लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपसे कुछ ने पूछ लिया वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण का आपको पता है कि वाष्पीकरण होता क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दोगे, मतलब थ्योरी बोल दोगे और उसका एग्जाम्पल, वो आपसे एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा ये क्यों हो रहा है, तो आपको आना चाहिए होता। अपन क्या करते हैं, इसके चक्कर में अपन पढ़ते नहीं है, और जब अपन खुद पढ़ते नहीं है तो उस केस में भाई साहब होता क्या, आप पढ़ नहीं रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है, या तो एक अध्यापक को हो रही है बस, और इसके अलावा किसी को नहीं हो रही, अध्यापक को चिंतित है, अध्यापक ही इसके अंदर चिंतित हो रहा है कि सर ये आप जो प्रमोट कर दिया बच्चों को, आप क्लासे नहीं ले रहे हो, बच्चों को डे बाय डे प्रमोट कर रहे हो, तो इसमें नुकसान किसका है, बच्चों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान ही अध्यापक का नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल आपने 9th पास नहीं की, आप 10th में चले गए, 10th पास नहीं की 11th में चले गए, तो हुआ क्या, अरे हुआ क्या, आपको तो आपने तो आगे चले गए आप सोच रहे हो, परंतु जब 12th क्लास का कोई अध्यापक है, जब उस बच्चे से पूछेगा कि बेटा तेरे को ये आता है क्या, तो उसको तो ना तो उसके बाद मतलब 12th भी समझ नहीं आएगी, कोई आएगी समझ नहीं, काट। इसलिए कहता हूं पढ़ना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अनिवार्य है, उसको अच्छी तरीके से पढ़े, कोई प्रकार की टेंशन ना ले, ठीक है, जितना आपको पढ़ाते हैं उतना आप नोट करें, ठीक है, बाकी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात आपके फ्यूचर की, अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो ये मैं गारंटी देके लिखता हूं, मैं सुरेश चंद्र आपको गारंटी देता हूं कि आपके किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम आएगा, नॉर्मल सी बात, एक बात याद रखना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो साइंस आती है, जनरल साइंस आती है, वो 10th स्टैंडर्ड की आती है बेटा, 10th स्टैंडर्ड की साइंस आती है, उसके अंदर 100 में से 100% आती है, एक एडिशनल बायो अगर जुड़ जाए तो वो जुड़ जाए, पर अगर कोई टीचर बायो भी अच्छी तरीके से पढ़ा दे तो वहां पे भी वो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 9th से लेकर 10th तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 10th तक अगर आप पूरा पढ़ लेते हो साइंस, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आप जनरल साइंस से पीछे नहीं हटोगे बेटा, जनरल से कोई भी एग्जाम दोगे उसमें जनरल से, एक बैंक के एग्जाम को छोड़ के अगर कोई भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम के अंदर, अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगी, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ इस साइंस के टॉपिक को अपने को हर एक टॉपिक को क्या करना बेटा, अच्छे से पढ़ना है, और इनके एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल पूछते हैं, नॉट फॉर थ्योरी पूछते बेटा, एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम के अंदर थ्योरी पूछते नहीं है, आपको क्या पूछेगा, आपको एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपको उस एग्जाम्पल का ध्यान में रखना है, और उसी एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक बात है बेटा, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कप की अपेक्षा, अपन वो लैंग्वेज नहीं लिखेगी भाई, जो लैंग्वेज उसके अंदर लिखी हुई, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय या कॉफी जल्दी ठंडी हो जाती हैं,
अरे यार क्वेश्चन लिखना बेटा, जी कप की अपेक्षा प्लेट में चाय कॉफी जल्दी ठंडी हो जाती है क्यों? आंसर सबको पता है बेटा, आंसर सभी बच्चों को पता है। आंसर क्या लिखोगे बेटा? क्योंकि का सतही क्षेत्रफल होता है जबकि प्लेट का सतही क्षेत्रफल, प्लेट का सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है, परिणाम स्वरूप चाय या कॉफी जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। अरे कोई समस्या क्या बेटा? यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो बेटा, यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, जो मैंने लिखाया है वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो इसका आंसर मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको खुद को पता है। गर्मियों में अपन कौन से पहनते हैं बेटा? गर्मियों में इसका आंसर देखना बेटा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है, अतः पसीना आसानी से वाष्पीकृत हो इसलिए हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हो और एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिखता हूं, उसमें एक फर्क है बेटा। उसमें क्या है? एक फर्क है। क्यों है? समझना मेरी बात। क्या है? आप जब लिखते हो आप क्या करते हो, सीधा क्वेश्चन देखा टूट पड़े उसके ऊपर, लो भाई साहब आया ले पकड़ लेता हूं देखो। आई समझ में? ऐसे नहीं, क्वेश्चन पूछा है पर जितना हो सकता है क्वेश्चन को आप तोड़ो, और तोड़ के जितना आपके पास में मैटर है उसको आप कम शब्दों के अंदर बयां करो, तो वो उस क्वेश्चन का इतना मस्त आंसर होएगा ना, इसकी कोई सीमा नहीं। और जब एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करता है तो बड़ा ही आनंद हो जाता है, उसको मजा आ जाता है कि वाह क्या बच्चे ने क्या लिखा है। आ गया समझ में? अरे कोई समस्या क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। ये तो हो गई आपके इस वाष्पीकरण से संबंधित प्रश्नों की, वाष्पीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न अपन लोगों ने कर लिए। अब बात करते हैं कि अपन साहब आप आ गए हो, आपने पूरा वाष्पीकरण पढ़ लिया है, और अब बात करेंगे अपन ने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या क्या। पूरे चैप्टर के अंदर एक हल्का सा रिविजन लेंगे और उसके बाद में वापस थोड़े से जो क्वेश्चन है वो करके अपन इस चैप्टर को कर देंगे बेटा, विदा दे देंगे। क्या करेंगे बेटा?
इसको कर देंगे विदाई और उसके बाद जाएंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट के ऊपर, जो टॉपिक क्या लगेगा बड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा। तब तक के लिए आपको क्या करेंगे बड़ा, विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।